गुड मॉर्निंग एवरी वन टुडे वी आर स्टार्टिंग अ न्यू टॉपिक बिजनेस रिस्क वॉट इज रिस्क रिस्क मीन्स प्रॉबिलिटी ऑफ लॉस येस सो बिजनेस रिस्क रिफर्स टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसेज एंड और इन एडिकुएट प्रॉफिट ड्यू टू अनसर्टनिटीज और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स विच आर बियॉन्ड कंट्रोल अगर हम सिंपल वर्ड्स में इसको कहें बिजनेस रिस्क जो है एक चांस ऑफ इनकरिंग लॉसेज और लेस प्रॉफिट दैन एक्सपेक्टेड दोनों चीज़ें हो सकती हैं प्रॉफिट होगा लेकिन जो हमने एक्सपेक्ट किया है उतना नहीं होगा या हम कह सकते हैं कि पूरा ही लॉस हो जाएगा क्लियर तो बिजनेस रिस्क मीन्स क्या होगा डेंजर ऑफ लॉस इसके रीज़न ये हो सकते हैं डिमांड की अनसर्टेनिटी बनी रहती है तो कुछ एग्जांपल्स अगर हम लेके चलें तो ये रहे अनसर्टेनिटी ऑफ डिमांड अनसर्टेनिटी ऑफ रिसिप्ट ऑफ प्राइस फ्लक्चुएशन होना मार्केट में प्राइस ऑफ प्राइस इन द मार्केट नेक्स्ट है फैशन में चेंजेस आना और uh, जो नेचुरल कलेमिटीज़ होती हैं जैसे फायर फ्लड स्ट्रोम अर्थ साइक्लोन ये सब और उसके बाद में कंपटीशन के कारण जो लॉस होता है वो या हम कहें कि बैड डेप्ट के कारण जो लॉस होता है तो बिजनेस रिस्क को हम सिंपल वर्ड्स में कुछ एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं जैसे डिमांड uh, थी एक प्रोडक्ट की ग्रेजुअली वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गई धीरे धीरे कम होती जा रही क्यों क्योंकि चेंजेस हो रहे हैं लोगों की टेस्ट में लोगों की प्रेफरेंस में लोगों कस्टमर्स जो हैं अब उतना प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं तो फैशन में चेंजेस के कारण कॉम्पिटिटर्स के पॉलिसीज़ के कारण ये जो फैक्टर्स हैं ये कंट्रोल नहीं कर सकता बिज़नेस मैन केवल और केवल वो क्या आ, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर सकता है तो यहाँ पे इसका रिजल्ट ये होता है बिज़नेस मैन जब कंट्रोल नहीं कर पाता है तो प्रॉफिट कम होने लगता है या काफ़ी ज़्यादा लॉस होने लगता है दोनों ही कंडीशन बनती हैं नेचर ऑफ़ रिस्क की बात करें तो नेचर ऑफ़ रिस्क में सबसे पहले असेंशियल एंड अन अवॉइडबल बिजनेस रिस्क जो है अवॉइड नहीं की जा सकती उसको अगर हम चाहें तो बिजनेस बिजनेस में एक रिस्क बहुत ही ज़्यादा इस तरीके से इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम कह सकते हैं कि विदाउट बिज़नेस विदाउट रिस्क हम बिज़नेस को इमेजिन कर ही नहीं सकते है ना बस हमारे हाथ में ये है कि हम उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं लेकिन उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते तो फ्यूचर में फ्यूचर इज़ अनसर्टेन और बिज़नेस एक्टिविटीज़ जो हैं वो फ्यूचर में की जा रही हैं तो ये चीज़ रखो कि कोई भी बिजनेसमैन रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकता कोई भी नहीं कर सकता आगे हम बात करते हैं अनसर्टिनिटीज़ आर द पब्लिक कॉज ऑफ रिस्क सॉरी अनसर्टिनिटीज आर द बेसिक कॉज ऑफ रिस्क इट इज़ ह्यूमन अनसर्टिनिटी नेचुरल अनसर्टिनिटी प्रोफेशनल अनसर्टेनिटीज़ जिनके कारण बिजनेस अराइज होती हैं ह्यूमन अनसर्टनिटीज़ जैसे स्ट्राइक कर दी वर्कर्स ने एक्सीडेंट हो गया चोरी हो गई है ना? नेचुरल अनसर्टिनिटीज़ एपिडेमिक आ गया फेमाइन आ गया फ्लड अर्थक्विक प्रोफेशनल अनसर्टनीटीज़ प्रोडक्शन में चेंजेस हो गए डिस्ट्रीब्यूशन में चेंजेस हो गए फ्लक्चुएशन हो गया मार्केट बिजनेस मार्केट में है ना प्राइज़ uh, में उसके बाद में स्ट्रक्चरल चेंजेस आ गए गवर्नमेंट पॉलिस गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ चेंज कर दी इस बेसिस पर क्या uh, हो रहती हैं ठीक है ठेके? आगे हम बात करते हैं प्रॉफिट आर रिवार्ड्स द बिजनेस रिस्क इतना पेन लेने के बाद में जो प्रॉफिट होता है वो जो गेन होता है वो एज अ रिवार्ड कहना चाहिए एक रिवार्ड कहना चाहिए तो बहुत ही कॉमन सी एक लाइन बोली जाती है नो पेन विदाउट रिस्क नो गेन विदाउट रिस्क या नो पेन नो गेन विदाउट पेन है ना तो यही कुछ लाइंस रहेंगी तो बिजनेस है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क होती है जितना ज़्यादा रिस्क होती है उतना ज़्यादा प्रॉफिट होता है क्लियर अलग अलग बिजनेस में अलग अलग रिस्क होती हैं बिजनेस टू बिजनेस छोटे बिजनेस में रिस्क थोड़ा डिग्री उसकी लो रहेगी जबकि बड़ा बिजनेस होगा तो उसमें हाई डिग्री रहेगी है ना रिस्क की रिस्क जो होती है टाइम अलग अलग टाइम पर अलग अलग होती है क्या होता है अगर हम सप्लाई और डिमांड में बैलेंस बना के रखते हैं तो आ, ये तो ठीक है नहीं तो कभी कभार कंडीशन ऐसी बनती है कि पता नहीं कब डिमांड बढ़ जाए पता नहीं सप्लाई कब कम पड़ जाए या कभी सप्लाई ज़्यादा हो जाए डिमांड कम सप्लाई ज़्यादा हो जाए डिमांड डिमांड कम रहे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंसेज होते रहते हैं तो इसीलिए अगर हम ड्यूरिंग पीसफुल टाइम द रिस्क विल बी मिनिमम हमेशा एक चीज़ याद रखो समझ लो शांति से बिजनेस चल रहा है मतलब रिस्क कम चल रही है और ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रहे हैं ज़्यादा हडल्स आ रहे हैं बिज़नेस को चलाने में इट मीन्स रिस्क बढ़ रही है क्लियर नेक्स्ट इज़ टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क प्योर रिस्क स्पेक्यूलेटिव रिस्क इंश्योरेबल रिस्क नॉन इंश्योरेबल रिस्क इंटरनल रिस्क एक्सटर्नल रिस्क पार्टिकुलर रिस्क स्टैटिक रिस्क डायनेमिक रिस्क रिस्क ऑफ प्रॉपर्टी एंड पर्सनल रिस्क प्योर रिस्क प्योर रिस्क जो है देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ रिकवरिंग द लॉस जैसे प्योर रिस्क में आग के कारण बहुत सारा लॉस हो गया चोरी हो गई एक्सीडेंट हो गया, गया वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी लॉकआउट हो गया डैमेज हो गया एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने में तो इनकी रिकवरी नहीं हो सकती विदाउट इंश्योरेंस तो ये प्योर रिस्क कहलाते हैं क्लियर स्पेकुलेटिव रिस्क वो रिस्क कहलाता है जिसमें सिचुएशन वे देर इज़ अ चांस ऑफ लॉस एज वेल एज गेन मतलब कहीं कहीं चांसेस भी होते हैं लॉस के और साथ ही साथ किसके गेम के भी, के भी. एक बिजनेस रिस्क जो है बिज़नेस मैन जो है टेक दिस रिस्क फॉर प्रॉफिट फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने कोई नया प्रोडक्ट लिया और बनाया बहुत सारा जो बनाने में बहुत सारा इन्वेस्ट किया और पता चला उसमें बहुत सारा फ़ायदा हो गया आने वाले टाइम में या फिर बहुत सारा लॉस हो गया तो दोनों ही कंडीशन हो सकती हैं मतलब उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की मैं जितना हमने इन्वेस्ट किया उतना पता चला निकल ही नहीं पाया या फिर बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉफिट अर्न कर लिया हमने तो दोनों ही कंडीशन रही डिमांड के चेंज होने में प्राइस फ्लक्चुएशन फ्लक्चुएशन मतलब चेंजेस चेंज इन फैशन टेस्ट में चेंजेस होना है ना तो एग्जांपल्स ऑफ सच रिस्क इज आर दीज नाउ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट स्पेकुलेटिव रिस्क कैन बी रिड्यूस्ड अवॉइडेड एंड शिफ्टड टू अदर दोनों कंडीशन बन सकते हैं स्पेक्यूलेटिव रिस्क में कि ये अवॉइड भी की जा सकती है दूसरों पर डाली भी जा सकती है और आ, क्या उसको आ, क्या कर सकते हैं हम शिफ्ट भी कर सकते हैं अवॉइड भी कर सकते हैं कम भी कर सकते हैं इस रिस्क को अब दोनों रिस्क में डिफरेंस देखेंगे हम तो प्योर रिस्क इनहरिटेंट होती है और स्पेकुलेट रिस्क जो होती है वो डिलेबरेटली अंडरटेकन इसमें जो लॉस लॉस और गेन जो होता है प्योर रिस्क आ, हो सकता है इसका जो रिजल्ट रहे वो हमेशा लॉस रहे या ना भी रहे है ना और इसमें भी यही कंडीशन बन सकती है कि इट मे बी रिजल्ट इन लॉस और गेन इंश्योरेंस ये इंश्योरेबल होता है प्योर रिस्क और आ, स्पेकुलेटिव रिस्क नॉन इंश्योरेबल होती है इंश्योरेंस नहीं कराया जा सकता inducement for profit so it does not enable the businessman to earn profit or it it enables to businessman to earn profit insurable risk aise risk jinko hum insurance ke kara ke unka jo uh, heavy loss hai thoda sa kam kara sakte hain hai na shift kar sakte hain usko us loss ko तो ये कहलाएगा क्या Insurable risk. जैसे ordinary causes के कारण जो risk arise होती है एक्सीडेंट के कारण आर्टिफिशियली करेक्ट क्रिएटेड बाय द इंश्योर्ड और uh, ये रिस्क जो होती है हमेशा अनसर्टेनिटीज uh, के कारण ये ली जाती है है ना नेक्स्ट है नॉन इंश्योरेबल रिस्क ऐसी रिस्क जिसका इंश्योरेंस नहीं कराया जा सकता जिसको इंश्योर्ड नहीं कराया जा सकता वो नॉन इंश्योरेबल रिस्क कहलाती है इंटरनल रिस्क इंटरनल रिस्क जैसे मशीन uh, uh, जो एंटरप्राइज के अंदर जो रिस्क रहती हैं जैसे मशीनरी डिसऑनेस्टी हो गई है ना एम्प्लॉज डिसऑनेस्ट हैं अवॉइड कर रहे हैं वर्क को हट रहे हैं उस पर्टिकुलर चीज से है न और स्ट्राइक uh, कर दी वर्कर्स ने ये इंटरनल एक्सटर्नल रिस्क की बात करें तो एक्सटर्नल रिस्क जो होते हैं वो होते हैं चेंजेज़ इन द मार्केट कंडीशन टेक्नोलॉजी में कुछ चेंजेज़ आ जाना पोलिटिकल चेंजेज होना है न और नेचुरल कलामिटीज़ और सोशल डिस्टर के कारण जो रिस्क होती हैं जनरल रिस्क जैसे पॉपुलेशन सारी होल पॉपुलेशन जो फेस कर रही है जैसे अभी कोरोना है ना तो एक कैलामिटी है नेचुरल कैलामिटी है हम बोलें फेमाइन है ये तो किस तरीके से तो फ्लड अर्थक्वेक साइक्लोन फेमाइन स्ट्रोम वॉर इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट इस तरीके के एग्जाम्पल इसमें आएंगे पर्टिकुलर रिस्क वो रिस्क होती है जिसमें एक इंडिविजुअल या पर्टिकुलर इंडिविजुअल के फॉल्ट की गलती के कारण ये होता है जैसे फैक्ट्री में आग लग जाना है ना मर्डर uh, हो जाना मैनेजिंग डायरेक्टर का बैंक रॉबरी हो जाना तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ स्टैटिक रिस्क वो रिस्क uh, होती है जिसमें फैक्टर्स दैट देन अदर देन द चेंज ऑफ इकोनॉमी इकोनॉमी में जो चेंजेस के कारण क्या होता है जो रिस्क अरइज़ होती है डायनेमिक रिस्क वो रिस्क होती है जो इसमें चेंजेस आते हैं इकोनॉमी की इकनॉमी के कारण और जैसे प्राइस लेवल फ्लक्चुएशन होना चेंजेस इन द इनकम एंड आउटपुट टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आना है ना चेंजेस इन द कंज्यूमर टेस्ट इस तरीके से और रिस्क ऑफ प्रॉपर्टी की बात करें तो रिस्क ऑफ प्रॉपर्टी जो है अगर इन द फॉर्म ऑफ द डैमेज ऑफ और डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी ड्यू टू द नेचुरल कॉजेज एंड मैन मेड कॉजेज पर्सनल रिस्क जैसे एक्सीडेंट ऑक्यूपेशन डिसीजेज इस तरीके से ये रिस्क होंगी ना नेक्स्ट टॉपिक इज कॉज ऑफ बिजनेस रिस्क काजेज ऑफ बिजनेस रिस्क की बात करें इनको फाइव कैटेगरी में डिवाइड किया गया है नेचुरल रिस्क ह्यूमन रिस्क इकोनॉमिक सॉरी नेचुरल कॉजेज ह्यूमन काजेज इकोनॉमिक कॉजेज फिजिकल एंड टेक्निकल काजेज़ और पॉलिटिकल काजेज नेचुरल काजेज़ नेचर के थ्रू जो प्रॉब्लम्स अगर अराइज़ होती हैं वो जैसे फ्लड हो गया फेमाइन हो गया ड्राउट हो गया अर्थक्वेक हो गया वॉल्कनिक करप्शन हो गया एक, हेल स्ट्रोम टाइड ता, आ गई है ना इस तरीके से ह्यूमन काजेज़ वो काज़ जो ह्यूमन uh, के कारण होते हैं केयरलेसनेस उनकी गलती के कारण है ना ये इकनॉमिक कॉजेज मीन्स चेंजेस इन द मार्केट कंडीशन फ्लक्चुशन होना डिमांड प्राइस में uh, है ना या फिर एक चीज़ और कि कम रेट पर पता चला आपकी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का सबस्टिट्यूशन मार्केट में अवेलेबल हो गया चीपर रेट पर तो यहाँ इस तरीके से क्या क्या बढ़ गई कॉम्पटिशन बढ़ गया फिजिकल एंड टेक्निकल कॉजेज़ की बात करें द रिस्क इज़ ऑल्सो अराइज़ ड्यू टू द टेक्निकल कॉजेज़ मशीन डिफेक्ट हो गई मशीन लीकेज हो गया वर्स्टिंग हो गई बॉयलर में इस तरीके से जो रिस्क अराइज़ होती हैं पॉलिटिकल काजेज़ की बात करें तो पॉलिटिकल काजेज में पता चला गवर्नमेंट चेंज हो गई है ना सिविल वॉर स्टार्ट हो गया लाइसेंस में चेंजेस कराना है टैक्सीन पॉलिसी में चेंजेस हो गए तो इस तरीके से ये पॉलिटिकल काजेज़ होते हैं नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ बिजनेस एक्टिविटीज़ को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है इंडस्ट्री और कामर्स इंडस्ट्री मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पर प्रोडक्शन होता है रॉ मटेरियल को ट्रांसफॉर्म करके हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं रॉ uh, मटेरियल को ट्रांसफॉर्म करके हम फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये कहलाएगा क्या uh, ये कहलाएगी इंडस्ट्री ये जगह है टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ मिलेंगी आपको लेकिन हम पहले पढ़ते हैं वॉट इज़ कॉमर्स कॉमर्स एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है जिसमें फॉर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसज़ बिटवीन द मेम्बर ऑफ द बिजनेस वर्ल्ड एंड रेस्ट ऑफ सोसाइटी एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है जिसमें गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज होती हैं किन के बीच में बिजनेस मेंबर्स के बिजनेस मेंबर या बिजनेस वर्ल्ड के और सोसाइटी के बीच में आपस में एक्सचेंज होती हैं क्लियर यह है क्या कॉमर्स है, है सब अब हम पढ़ते हैं क्या टाइप्स ऑफ या क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री देखिए एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री जेनेटिक इंडस्ट्री एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री मीन्स अर्थ सी और एयर से मतलब कुछ ना कुछ डिग आउट करके निकालना माइनिंग करना क्लियर जेनेटिक इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री कहलाती है जैसे पोल्ट्री फार्म्स वगैरह डेयरी फार्मिंग एग्रीकल्चर ये जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ में आती हैं मतलब प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ का नाम दिया जाता है जो एक्चुअल में रॉ मटेरियल अदर इंडस्ट्रीज़ को प्रोवाइड करते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ में आता है मैनुफरिंग इंडस्ट्रीज़ मतलब जो रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री या जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ के थ्रू प्रोवाइड किया गया है उनसे कुछ प्रोडक्ट को बनाना है ना जैसे शुगर मिल लगा ली खेतों से आ रहा है क्या अगर ना, अब बना रहे हैं हम उनको शुगर बना रहे हैं अब आगे बात करते हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मीन्स यहाँ पे आ जाएगा कि रॉ मटेरियल डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू इसे इस इंडस्ट्रीज़ में गुजरता है और फाइनली फिनिश्ड गुड्स बन के तैयार होता है है ना आगे बात करते हैं असेंबलिंग इंडस्ट्री जैसे टेलीविजन कार कंप्यूटर इंडस्ट्रीज मतलब कार का अगर हम एक एक पार्ट देखें तो अलग अलग कंपनी का होता है उसको असेंबल करके अपने नाम का आ, सी आ, अपने नाम का ठप्पा लगा दो और बस बेच देते हैं वो असेंबलिंग इंडस्ट्री है एनालिटिकल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री जिसमें वेरियस प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं सम रॉ मटेरियल कॉल्ड इंडस्ट्रीज ये प्रोडक्ट जो होते हैं एनालिटिकल एनालिटिकल इंडस्ट्रीज़ कहलाते हैं जैसे कैरोसिन ऑयल डीजल पेट्रोलियम है ना मिनरल ऑयल से इस तरीके से चीज़ों को निकाला जाता है आगे जो इंडस्ट्रीज हैं वो कुछ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन सेंथेटिकल uh, इंडस्ट्री की बात करें तो वो इंडस्ट्री जो टू और मोर रॉ मटेरियल का यूज़ करके कुछ चीज़ें बनाते हैं जैसे um, uh, क्या बोलते हैं मेडिसिन हो गए सोप हो गए केमिकल सीमेंट्स uh, हो गए है ना आगे बात करते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ जो कंस्ट्रक्शन का काम कराते हैं ब्रिज रोड्स बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं थर्ड पार्ट है सर्विस सेक्टर सर्विस सेक्टर मीन्स क्या वो सेक्टर ये वाला पोर्शन अपन ने सिविक्स जो इकोनॉमिक्स है क्लास टेंथ में ये वाला पोर्शन पढ़ा है जिसमें प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर हमने पढ़ा हुआ है सर्विस सेक्टर मीन्स कम्युनिकेशन एडवर्टाइजमेंट हा वेयर हाउसिंग है ना इस तरह बैंकिंग इंश्योरेंस ये सारी एक्टिविटीज जो करते हैं वो कहलाते हैं क्या कौन ट्रेशरी सेक्टर नाउ लेट्स कम टू द मेन पॉइंट कॉमर्स सो कॉमर्स एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करता है कि मटेरियल बनवाए जो फिनिश गुड्स तैयार करता है कौन या हम बात कर सक हम बोल सकते हैं ये कि इसमें सर्विस और गुड्स को एक्सचेंज करने का काम होता है किसके बीच में बिजनेस वर्ल्ड और और सोसाइटी के बीच में इसको हम ये बोल सकते हैं ना फंक्शन ऑफ कॉमर्स सबसे पहले रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ पर्सन कुछ हिंड्रेंसेस मतलब रुकावटें होती हैं जैसे हम बात करें कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस है कह दें कि लैक ऑफ कॉन्टैक्ट है मतलब कहीं ना कहीं से एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं तो जो प्रोड्यूस हैज़ अ प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग प्रोड्यूसर के लिए एक प्रॉब्लम है कि बायर को खरी झुढ़ें कहाँ से मिलेगा तो ये वाली प्रॉब्लम कौन शॉर्ट आउट कर सकता है कॉमर्स किस तरीके से ट्रेड के थ्रू ट्रेड प्रोवाइड एन ऑर्गेनाइज मार्केट जहाँ पे बायर और सेलर दोनों ईजीली मिल जाते हैं जैसे अगर हमें कुछ खरीदना है तो हम सीधे मार्केट पहुँचते हैं तो यहाँ पे कस्टमर हम बन के जाते हैं और जब वहाँ पर मार्केट में कौन बैठा रहता है सेलर या प्रोड्यूसर है ना नंबर टू प्लेस एंड्रेंस ऑफ प्लेस तो यहाँ पे प्रोड्यूसर फेस द प्रॉब्लम ऑफ सेंडिंग गुड्स इन द डिस्टेंट प्लेसेस है ना विदाउट एनी थेफ्ट कोई भी डैमेज के या फिर कोई चोरी चपाटी के बिना चीज़ें आराम से पहुँच जाए उस तक तो किस तरीके से थ्रू ट्रांस ट्रांसपोर्टेशन अब रेलवेज पब्लिक कैरियर है ना एयरलाइंस शिपिंग कंपनीज़ ये सारे क्या करते है? problem हैं ट्रेस की प्रॉब्लम हटा देते हैं टाइम रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ टाइम तो नॉर्मली हम देखें जो गैप होता है प्रोडक्शन और कंजम्पन में वो टाइम गैप जो होता है वो थोड़ा सा uh, वो ज़रूरी है नहीं तो क्या होगा सडनली अगर हम डिमांड बढ़ जाती है और एट द टाइम अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा है ना तो नेसेसरी टू स्टोर द गुड्स टिल दे आर सोल्ड तो सबसे पहले वेयर हाउसिंग प्रॉब्लम इसकी सॉल्व uh, करेगा है ना तो वेयर हाउसिंग इसमें क्या करेगा इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर देगा रिमूविंग कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज अ कॉमन मीडियम ऑफ पेमेंट इज रिक्वायर्ड बिटवीन बायर एंड सेलर ऑफ गुड्स इन द डिफरेंट प्लेसेज है ना uh, जैसे बैंक हो गया बैंक क्या कर देगा के एक्सचेंज ऑफ मेकिंग एंड कलेक्टिंग द पेमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ द क्लाइंट चेक ड्राफ्ट के कारण से वो या आजकल फोन पे के, के थ्रू क्या के कर देगा वहाँ पे पैसा पहुँच जाएगा मीडियम ऑफ एक्सचेंज की प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगी अब हम रिस्क की बात करें रिमूविंग हिंडोरेंस ऑफ रिस्क तो डैमेज ड्यूरिंग द ट्रांजिट एंड स्टोरेज तो एक चीज़ और बाय इंश्योरेंस कंपनी और नॉलेज की बात करें तो मार्केट में आपको अगर हमें पता है कि मार्केट में कोलगेट अवेलेबल है कौन बताता है मैं घर बैठे बैठे टेलीविज़न तो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हम अपने प्रोडक्ट का नॉलेज किसको प्रोवाइड कर सकते हैं लोगों के लिए घर बैठे बैठे जिससे वो आके मार्केट में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड करने लगें क्लियर दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइट